हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, यू आर वाचिंग मास्टर टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा नोकिया के अपकमिंग पाकिस्तान के अंदर 5.3 के बारे में, बहुत जो कि बहुत जल्दी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने वाला है, बल्कि इंट्रोड्यूस तकरीबन हो चुका है, लॉन्च भी आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा कम्प्लीटली। और जो है बहुत ही आप कह सकते हो कि क्रिटिकल स्मार्टफोन है, बहुत ही सोच विचार के साथ मुझे समझ नहीं आ रहा इसकी जो प्राइस एक्सपेक्टेड बताई जा रही है वो कैसे बताई जा रही है, इस स्मार्टफोन के अंदर ऐसे आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखते हैं कि वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग अपने मुझे ओपिनियन लेना नीचे कि स्मार्टफोन इस प्राइस टैग के अंदर कैसा है। सबसे पहले अगर हम इसकी फ्रंट की डिज़ाइन के बारे में बात कर लें तो वही ओल्ड डिज़ाइन जो कि और स्मार्टफोन्स आपको प्रोवाइड करते थे, मतलब मिड रेंज के अंदर वही आपको डिज़ाइन, मतलब नोकिया का नो चेंज, जो डिस्प्लेस के अंदर नो चेंज, फ्रंट बिल्कुल वही नॉच के साथ में आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में मिल रहा है 6.55 इंचेस का, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो है, ठीक है, और 720p है रेजोल्यूशन, मतलब फुल HD भी यहाँ पर आपकी बार प्रोवाइड नहीं करी गई। मुझे नहीं लगता कि यार ये तो नोकिया क्यों अपग्रेड नहीं करता है अपनी तमाम चीज़ों को, क्यों ये सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देता है, आज तक ये बात समझ नहीं आई। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर पे तवज्जो दे रहा है तो यार आपको जो स्पेसिफिकेशन है कम से कम उसको तो लाना चाहिए मार्केट के अंदर, ताकि आपको जो स्मार्टफोन है वो दूसरे जो कंपनीज का स्मार्टफोन है उनके साथ में कॉम्पीट कर पाए। आई डोंट नो कि पता नहीं क्या रीज़न है इसके पीछे, लेकिन फिलहाल ये स्पेसिफिकेशन है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा इसके डिस्प्ले के हिसाब से इससे खुश होगा। स्नैपड्रैगन का 665 आपको इस स्मार्टफोन के अंदर प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि अच्छी बात है, जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है वो अच्छे ही होते हैं और ये प्रोसेसर भी कोई इतना ज़्यादा कोई बुरा प्रोसेसर नहीं है, एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है। रैम यहाँ पे जो बताई जा रही है वो 3GB, 4GB और 6GB तक बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो रूमर्स हैं वो इनका यही कहना है कि 3GB और 4GB की जो रैम हैं वो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, क्या पता कि तीन वेरियंट्स भी लॉन्च कर दिए जाएँ। इंटरनल स्टोरेज सब में कॉमन है जो कि 64GB की है, मतलब अगर 3GB वाला भी वेरियंट आता है उसके साथ 64GB मिलेगी, 4GB वाला वेरियंट आता है तो साथ भी 64GB, और अगर 6GB भी आती है तो 64GB का आपको कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। बड़ी खास बात, बहुत अच्छी बात बल्कि जो नोकिया की मुझे लगती है वो इसके जो आपको बताया कि सॉफ्टवेयर जो है एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है, तो बहुत अच्छी बात है यार, ये एंड्रॉयड 10 आपको सबसे पहले नोकिया के अंदर नोकिया के स्मार्टफोन्स में देखने के लिए मिलता है। बैक की अगर हम डिज़ाइन की बात कर लें तो जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया और इस वीडियो बनाने पर मजबूर किया वो इसका जो बैक का डिज़ाइन है। कैमरा की जो अलाइनमेंट है वो भी आप देख सकते हो, कुछ अजीब ही लगती है यार, एकदम सर्कल के अंदर क्वाड कैमरा उसको अलाइन कर दिया, बहुत ही दिमाग लगा है किसी ने डिस्प्ले जो सॉरी ये जो कैमरा की अलाइनमेंट है वो करी है, बहुत आप कह सकते हो कि यूनिक है, जो कि एक अच्छी बात है। क्वाड कैमराज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं और कोई हाईफाई कैमरा नहीं लगाया गया है इस स्मार्टफोन में। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने के लिए मिलता है, एक जो सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का है और जो दो कैमराज मिलते हैं वो 2 मेगापिक्सल के देखने के लिए मिलते हैं। और अगर हम कंपेयर करते हैं किसी और स्मार्टफोन की कंपनी से तो वो कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो इस प्राइस टैग के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल तक का जो कैमरा है वो प्रोवाइड कर रही हैं। बैटरी 4000 mAh, मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी भी नहीं समझ आया कि इतनी कम स्पेसिफिकेशन और प्राइस इतने ओवर। इसकी जो प्राइस है वो जो डिफरेंट सोर्सेज से आ रही है वो अलग अलग आ रही हैं, लेकिन जो एक मजमूआ बन रहा है इनकी इसकी जो प्राइस का वो कुछ 32,000 से लेकर 35,000 तक बन रहा है। मुझे नहीं, अभी भी समझ बिल्कुल नहीं है, मुझे हैरत होगी अगर ये इस प्राइस टैग के अंदर लॉन्च होता था, ये पाकिस्तान के अंदर या फिर और कोई भी कंपनी जो है, अगर ये नोकिया है किसी भी और कंट्री में लॉन्च करती है तो किस तरीके से कामयाब हो पाएगा, क्या प्रॉब्लम होने वाली है। स्पेसिफिकेशंस 35,000 और 32,000 के हिसाब से तो एकदम आप कह सकते हो कि ज़ीरो है, निल है। 4GB रैम अगर आती है थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं चांस आ सकता है, लेकिन जो डिस्प्ले है 720p रेजोल्यूशन के साथ में, 4000 mAh की बैटरी, 13 मेगापिक्सल का जो रियर सेंसर है वो मेन सेंसर आपको, मुझे नहीं लगता कि ये फ़ोन भी इतना ज़्यादा कोई कामयाब होने वाला है और कोई खास कोई कंपटीशन करने वाला है किसी और फ़ोन से। बाकी वही बैग पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है और नोकिया की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, और नोकिया कलर्स भी थोड़े बहुत फ़ोन्स के जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, और तो वही यहाँ पर आपको कलर्स भी अच्छे अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अब आप लोगों ने क्या करना है, फाइनल ओपिनियन अपना बताना है कि इस स्मार्टफोन के बारे में आप लोगों को क्या कहना है, क्योंकि डिफरेंट जो साइट्स हैं उसमें जब मैंने लोगों के ओपिनियंस चेक करे तो बहुत ही निगेटिव ओपिनियंस थे। मेरा भी एक समझ लो आप कह सकते हो कि एक निगेटिव ओपिनियन के यार, क्योंकि बात तो जायज़ है यार, इतना पैसा पे कर रहे हो और स्मार्टफोन की जो कंपनीज़ हैं बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर देंगी इस प्राइस टैग के अंदर,
लेकिन यहाँ पर इवन कि पॉपअप सेल्फी कैमरा जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगा इस मतलब प्राइस टैग के अंदर, और जो नोकिया है वो 720p का डिस्प्ले आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में दे रही है। तो डिस्प्ले के हिसाब से तो आप कह सकते हो बिल्कुल ज़ीरो स्मार्टफोन है, जो कि प्राइस टैग को कंपेयर करते हुए मैं इसको ज़ीरो कह रहा हूँ, और जो कॉम्पिटिशन का और स्मार्टफोन से हो रहा है इस पर मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कोई काम है पाकिस्तान में होने वाली है। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।